हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज हम देखेंगे कुछ फॉल्ट के बारे में, 44-40 ऐसी बोर्ड के बारे में जो मुझे बहुत कमेंट आया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। तो हमको पहला कमेंट आया है कि सर, ट्रांसफार्मर लगाने से हमारा वोल्टेज जो DC बन रहा है वो 2 से 3 वोल्ट ही बन रहा है और ट्रांसफार्मर हीट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमारा प्रॉब्लम रहेगा ये डायोड का, ये डायोड आपस में शॉर्ट हो जाती है तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप ये चारों डायोड को चेंज कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कमेंट आई है कि सर, इसमें जो पावर कैपेसिटर है 2200 UF 16 वोल्ट का लगा रहा हूँ तो ये कैपेसिटर बार बार फट जा रहा है। तो पहली बात, इसमें 16 वोल्ट का कैपेसिटर नहीं लगाइएगा, कम से कम 25 वोल्ट का लगाइएगा, ठीक है, तब ये नहीं फटेगा। और ज़्यादा अच्छा अगर साउंड चाहते हैं तो इसमें 4700 UF का कैपेसिटर आप लगाइए, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है कि सर, ये बोर्ड में सप्लाई तो आ रहा है लेकिन हमारे MP3 डिस्प्ले में वो डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये 7805 IC लगती जो इस बोर्ड में अभी नहीं है, यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होती है। तो अगर ये IC ख़राब हो जाएगी तो हमारा डिस्प्ले नहीं चलेगा, तो इस IC को आपको चेंज इस करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, कमेंट आई थी कि ये 7805 बार बार हीट हो जा रहा है, हीट होके ख़राब हो जा रहा है, बार बार हीट हो रहा है, बार बार ख़राब हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये प्रॉब्लम है कि आपका ट्रांसफार्मर से बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रही है। तो ऐसा प्रॉब्लम आती है या तो इसके आउटपुट में कोई शॉर्टिंग हो गई है, इसके आउटपुट में, या तो आपकी MP3 में शॉर्टिंग हो गई है, आपका MP3 ख़राब हो गया, शॉर्ट हो गया, या इसके आउटपुट में किसी प्रकार का तार सट गया या किसी प्रकार से शॉर्ट हो गया है, तो ऐसा प्रॉब्लम इसमें आती है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। दोस्तों, हमारा पांचवा कमेंट आया है कि सर, इसमें जो ये डायोड लगी हुई रहती है वो कितने एम्पियर की रहती है। तो ये IN5408 डायोड रहती है जो कि 3 एम्पियर की रहती है, ठीक है। और मैं छठा कमेंट आया है कि ये जो कैपेसिटर, पावर कैपेसिटर, ये बार बार उड़ जा रहा है, फट जा रहा है। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, आपका जो ट्रांसफार्मर से बहुत हेवी वोल्टेज आ रही है इसके कारण ये बार बार फट जा रहा है, ठीक है। और या ये भी हो सकता है कि इसके आगे जो DC सप्लाई है उसमें कोई शॉर्टेज हो रही हो, शॉर्ट हो गई कहीं पे, ठीक है। तो पहले वोल्टेज आप चेक कर लीजिए, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो इसे आप, तो वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है तो ट्रांसफार्मर को आप चेक कीजिए, ट्रांसफार्मर खराब हो ट्रांसफार्मर को चेंज करना पड़ेगा। हमारा सातवां कमेंट ये है कि ये जो हमारे यहाँ पे 6 कैपेसिटर जो लगे हुए रहते हैं, इसका वैल्यू क्या है। तो ये हमारा 100 UF 25 वोल्ट में कैपेसिटर ये रहती है, ठीक है। आपको देख पा रहे होंगे, देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे 100 UF 25 वोल्ट। तो दोस्तों, हमारा एक कमेंट और आया है कि सर, इसमें 012 का ट्रांसफार्मर कैसे हम इसमें कनेक्ट करें। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए, जैसा कि यहाँ पे 4 पर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे दो डायोड का शॉर्टिंग है, यहाँ पे 2 डायोड का शॉर्टिंग है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इस पर आप 1 0 लगाइएगा और इस पर 1 12 लगाइएगा, ठीक है, तो आपका ये बोर्ड वर्क कर जाएगा, ओके। और एक कमेंट आया है कि 44-40 IC बोर्ड में वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, कितने भी फुल कर दे रहे लेकिन वॉल्यूम कम ही आ रही है। तो उसमें हम मानेंगे कि हमारा ये IC फॉल्ट है, या तो हमारा DC सप्लाई बहुत वीक है, बहुत कम आ रहा है, तब ये प्रॉब्लम आपको आएगी, ओके। और हो सकता है यहाँ पे कोई कंपोनेंट वीक हो गया हो, इसके कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है। और एक प्रॉब्लम और हम देखने मिलती है कि आपके जो वॉल्यूम इनपुट जो यहाँ से आउटपुट होकर यहाँ पर जाती है, उसमें यहाँ सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। और एक कमेंट और आई थी, लास्ट कमेंट मैं ले रहा हूँ कि जैसे सप्लाई दे रहा हूँ, ये डायोड बहुत हीट हो जा रहा है। तो उस कारण में भी मैं यही बताना चाहूँगा, आगे कोई DC सप्लाई जो गया हुआ है, देख पा रहे होंगे, देखिए, आगे जो यहाँ से DC सप्लाई गया हुआ है, या यहाँ से गया हुआ है न्यू ग्राउंड, यहाँ से पॉजिटिव गई है और यहाँ से ग्राउंड गया हुआ है, तो अगर ये आगे जाके कहीं पे शॉर्ट हो रही हो, या आपका IC ख़राब हो गया हो उसके कारण शॉर्ट हो रही हो, तो डायोड भी आपका हीट होगा और ट्रांसफार्मर भी हीट होगा, और ज़्यादा देर रखने से दोनों जल सकते हैं।
ठीक है, या तो डायोड शॉर्ट, या तो आगे डीसी सप्लाई शॉर्ट, और या डीसी सप्लाई इसलिए शॉर्ट होती है या तो आपको आईसी खराब हो, शॉर्ट हो गई हो, या कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो रही हो। तो यही था आज का वीडियो, कुछ फॉल्ट 44 आईसी बोर्ड का, जो कि मुझे बहुत कमेंट आ रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।